ट्रेलर बहुत पसंद आया क्योंकि फिल्म की जो भाषा है बहुत ही अलग है, बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म है. हम लोग ने ऐसी टाइप की फिल्म लड़कों के तौर से देखा है, दिल चाहता है हो या ज़िंदगी मिलेगी दोबारा हो. आई थिंक वो हमेशा हीरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से था. बट आप अगर इस फिल्म देखें तो आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग फॉर फ्रेंड्स एंड लड़की के और के लाइफ के तौर से, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बनी है कि चारों की जिंदगी में क्या होता है, कैसे होता है, एंड फॉर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली आई एंजॉयड रीडिंग इट. तो व्हेन आई एंजॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट सो मच, आई फेल्ट एक्साइटेड दैट आई एम श्योर पीपल वुड लाइक टू सी दिस फिल्म ऑन स्क्रीन. ट्रेंड की बात नहीं है, बट आई डेफिनेटली थिंक दैट पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग. लोगों की सोच में ज़रूर बदलाव एक आएगा, डायरेक्टर्स की सोच में थोड़ा बदलाव आएगा कि नाउ वी कैन एक्चुअली टेल स्टोरीज ऑन फ्रेंडशिप एंड लव फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. नहीं, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स, आई थिंक एंक्शियसनेस बढ़ जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट, बट एंक्शियसनेस, बिकॉज वी मेड अ फिल्म, वी वॉन्ट टू सी वॉट हाउ पीपल हैव रिएक्टेड, वॉट इज द रिएक्शन गोना बी. या आई थिंक दैट इज वॉट वी आर. आई थिंक वी आर मोर एंक्शियस टू नो के हाउ आर पीपल गोना लाइक इट, हाउ आर अदर गर्ल्स गोना लाइक द फिल्म. बिकॉज आई थिंक हमेशा हम जब चार लड़कियों को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं यार ये तो चिक फ्लिक है. तो लड़के ज़्यादातर देखते नहीं है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि फिल्म अगर चिक फ्लिक होगी तो इट विल बी अबाउट क्लोथ्स एंड शूज एंड बैग्स एंड यू. बट ये फिल्म वैसी नहीं है. आई थिंक दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया और रिया ने डिसाइड किया कि वी शुड से दैट दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ चिक फ्लिक, बिकॉज ये सिर्फ एक कहानी है. इट जस्ट हैपन्स कि चार लड़कियाँ हैं इस फिल्म, बट इट कुड बी फॉर बॉयज ऑल्सो. नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा जब चिक फ्लिक की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं फिल्म तो कपड़ों की बात होगी, बैग्स होंगे, शूज़ होंगे, हेयर स्टाइल्स होंगे. बट आई थिंक वीरे दी वेडिंग इज़ नॉट अबाउट दैट. लाइक यू सेड, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, लव. It's just a different story. In fact, it's a story of four girls, different stages of love and marriage. जो हम लोग ने certain issues कभी address नहीं किए हैं. एक लड़की, स्वरा का character का divorce हो रहा है, शिखा has problems in her marriage, my character's commitment phobic, Avni's character which is Sonam wants to get married. तो ये जो है, we actually have these girls who are there in our real life. It's just that हम लोग उस इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं. I really enjoyed playing this character. I really enjoyed playing Kalindi because मैंने हमेशा heroes के साथ काम किया है. last film तक अर्जुन कपूर के साथ काम किया था.
and that was just about Arjun and me. But I think in this film, it's really nice because it's about, it's nice about, like, you know, four different characters. You know, I've never worked with females before, so that's the fun. मैं कालंदी जो है वो कमिटमेंट फोबिक है मेरी तो शादी हो चुकी है बच्चा भी हुआ है तो आई डोंट थिंक आई रिलेट टू इट इन दैट वे प्रेशर नहीं है एक्साइटमेंट है कि अच्छी फिल्म बनी है एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है अल्टीमेटली हम वी आर हियर टू एंटरटेन द ऑडियंस सो आई थिंक काफ़ी एंटरटेनिंग है फिल्म आई थिंक लोगों को पसंद आएगी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए यार फेमिनिज्म वुमेन एम्पावरमेंट है ऑफ कोर्स बट फिल्म बनाई है एंजॉय करो पॉपकॉर्न खाओ फिल्म देखो वो आपको 1 जून को पता चलेगा भैया जी आप यहाँ पे राइट में मैडम आपके राइट में भैया जी इधर इधर देखा जी थैंक यू आप हट जाओ ना बीच में थोड़ा
किचन अजय निकलने का इधर आ रहे ना अजय बोलना स्टूडियो के सामने मत आओ ऑफिस में एकदम अरे रहीम भाई क्या कर रहे हो यार पार्किंग कर रहा है चलो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए योर फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक हर फिल्म के पहले अभी एक हफ्ता आई थिंक एक हफ्ते में रिलीज़ होने वाली है फिल्म आई थिंक हर फिल्म के पहले मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ थोड़ा ना स्ट्रेस हो जाता है कि कैसी फिल्म जाएगी क्या होगी क्या होगा पर मेरे हिसाब से हमने एकदम शिद्दत से ये फिल्म बनाई है बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है और ये मेरा आई फील कि ये फिल्म अच्छी जाएगी पर क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए हम फिल्म बनाते हैं लोगों के लिए हम जो भी बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं होपफुली पीपल लाइक इट एक साथ हो गया हाँ आई थिंक एक कलोक्वियल लैंग्वेज होती है कि हम जब एक साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं या यू नो लड़के या लड़कियां जो भी हमारे यू नो करीबी दोस्त हैं हम जब भी बात करते हैं ऐसे कभी कभार लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं हमें इतना बड़ा हुहा नहीं बनाना चाहिए ये कलोक्वियल वे ऑफ टॉकिंग है ऑनेस्टली हर किरदार में कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं पर अगर मतलब मैं मेहनती हूँ एंड ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज नहीं था पर एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन यू नो थिंग्स ऑब्वियसली मेरी बहन ने ये फिल्म प्रोड्यूस किया था तो उसमें एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये यू नो यू वॉन्ट टू डू योर बेस्ट ऑल्सो आई थिंक प्रेशर नहीं होता आई थिंक हर फिल्म में जैसे नहीं मैंने कहा कि हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है और अगर मैं प्रेशर लेती कि यू नो मुझे क्या करना है मैं काम नहीं कर पाती आई थिंक आपको हर दिन में कुछ ना कुछ यू नो यू हैव सम चैलेंजेस कुछ ना कुछ यू नो चैलेंजेस आते रहेंगे यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप अगर मैं एक्टर नहीं होती मैं फिल्म से जुड़ी रहती मतलब मैं डायरेक्टर होती या राइटर होती या मुझे एट वन पॉइंट आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया ऑल्सो लाइक दैट्स वाई आई लाइक जर्नलिस्ट सो मच आई थिंक द पेन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर यू नो आप ओपिनियंस बना सकते हैं लोगों के यू नो यू कैन रियली शेप ओपिनियंस एंड शेप द वे पीपल थिंक बट मैं बहुत ही खुश हूँ एक्टर आई थिंक मुझे सूट करता है एक्टर होना आई थिंक सबसे कठिन पार्ट प्रमोशन ही होता है शूटिंग में कभी कोई मतलब यू नॉट पुट इन द स्पॉट यू नॉट आस्ड पर्सनल क्वेश्चन यू नॉट आस्ड अबाउट योर सेल्फ सो आई थिंक इट्स नाइस आई थिंक हमें यार एक दो बार किसी ने क्वेश्चंस पूछा है तो आई वुड से आई वुड लाइक ऋतिक टू प्ले माय रोल बीइंग एन
conditioned or the condition that goes on in society with the way we have to look at certain places and the way Bollywood sort of sometimes stereotypes women's roles in real life. Do you think this movie will make a big difference for that? Every film that I do, I hope to break stereotypes in some way and inspire young people, women and men, to kind of look forward and feel like they can, you know, break the glass ceiling in some way. And Rhea and I have always aspired to make films that kind of change the mindsets of people and at the same time entertain them. So now, how is she's always coming? Yeah. I'm congratulations to Harsh that his second film is releasing and I hope it does very, very well. So is there any competition or pressure? No, he is my baby brother. I hope his film does very, very well. ये फिल्म बहुत ही मेमोरेबल रहेगा क्योंकि ये फिल्म जो थी ये यू नो फॉर अनदर मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस टू से ओके टू डू दिस फिल्म आई थिंक ये एक नई पीढ़ी शुरू करती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर ये फिल्म अच्छी जाएगी तो ये बहुत सारे यू नो वेज हमारे लिए खोल देगी हमारे रोल्स आई थिंक बेहतर हो सकते हैं यू नो आई होप दैट दिस होल आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन वुमेन गोज अवे तो बहुत मज़ा आया हमने बहुत खाना खाया और वी हैड फन स्पेशली थाईलैंड में हमने बहुत मज़ा किया हम दीदी वेडिंग के लिए बात करें मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन ही आंसर करना है उसने बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया है और हम वी हैव एक्चुअली ब्रॉट हर डाउन फ्रॉम शिकागो एंड वी आर रिकॉर्डिंग समथिंग ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सरप्राइज थैंक यू ओके थैंक यू नहीं मैं अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी शादी को बट देखें अवनी शर्मा एक लॉयर है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है और अगर आपको और कुछ जानना है अवनी शर्मा के बारे में तो आप प्लीज़ बी दी वेडिंग 1 जून को देखिए शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस बाय बाय थैंक यू हम सभी को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद है क्योंकि लोगों के ट्रेलर और गाने पसंद आए आप बताइए कि आपको फिल्म रिलीज होने वाली आप कैसे यू नो ये मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप बहुत ही प्यार से बनाई हुई ये फिल्म है तो आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेज इट एंड दे लाइक इट एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट तो आई एम रियली होपिंग कि आप सब जाएंगे 1 जून को और धीरे धीरे वेडिंग देखेंगे एवरी डे और समथिंग और द अदर दैट वॉज जस्ट अमेजिंग All of us, Kareena is damn entertaining. Swara's life is very entertaining. And Sonam and I just laugh. What is the funniest moment? Sorry? As I said earlier, na, ki har din kuch na kuch chal raha tha, which was really funny. I think there was a time when ek scene tha jahan Swara ko, she had to just jump down from a gate. एंड देन वॉक बिहाइंड अस और वो बड़े बहुत ही बड़े हील्स में थी और अनफॉर्चुनेटली उस मेथड में वो थोड़ा उसका फुट थोड़ा ट्विस्ट होकर वो गिर गई एंड सोनम का फर्स्ट रिएक्शन आई ओके था एंड मेरा अनफॉर्चुनेटली इन सिचुएशंस में हंसी होती है सो आई वाज या सबसे अगर मेमोरेबल अगर सीन की अगर बात करें तो आपको हमेशा याद रहने वाला है वो अभी तक वो कौन सा सीन है तो उसके बारे में ऑल ऑफ देम या आप ये एक्टर से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट मेमोरेबल सीन कौन सा है सारे के सारे बहुत ही स्पेशल है वी वर देयर फॉर अ वीक सो वी हैड वेरी लिटिल टाइम टू एक्सप्लोर फुकेट
But we had, again, as I said, when you're working with women and men who you have so much fun with and you have so much fun collaborating with, it's a joy. So it's sure. it is great fun. Let the fifth year finish and then let's talk. For me, ये जो आप कह रहे हैं कि ये benchmark film है और ये trend set करने वाली है और आप क्या कह रही हैं बता बोल दीजिए. नहीं, मुझे ये लगता है कि ये फिल्म बहुत ही रिलेटेबल है. ये फिल्म चार दोस्तों के बारे में है और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बस उसी के बारे में. सो आई थिंक इट्स एंड दे जस्ट हैपन टू बी गर्ल्स. सो आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली गोइंग टू रिलेट टू इट एंड दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म. सो बॉयज गर्ल्स एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट. आई एम नॉट अ मदर. आई हैवंट एलोप्ड एंड गॉटन मैरिड. मीरा बहुत ही वो लाइफ का मज़ा लेती है. यू नो शी रियली इन्जॉयज़ हर लाइफ एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू हो आई होप दैट आई थिंक आई ट्राई टू डू दैट विद माई लाइफ. एंड शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड फियर्सली लॉयल टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स. दैट आई कैन कम्प्लीटली टेक इट दैट मीरा एंड मी दैट इज सेम. थैंक्स यार. फिर से आप देखिए ना, ये एक्टर को ऐसा नहीं पूछ सकते ना. मुझे तो सारे रोल्स करने हैं. कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ इस तरह का रोल है या मैं वही कह रही हूँ, मुझे सारे रोल्स करने हैं. मुझे तो सारे रोल्स करने हैं, सारे के सारे. इनफैक्ट यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें काफ़ी सारे जो द मैन इन दिस फिल्म द मैनी कैरेक्टर्स एंड आई वॉन्ट टू प्ले दोज ऑल्सो. सो यार एक्टर से ये क्वेश्चन मत पूछो कि एक ऐसा रोल सारे. हाँ जी प्लीज़, वीरे दी वेडिंग इज़ रिलीजिंग ऑन 1st of June आपकी नज़दीकी थिएटर में. तो आप प्लीज़ आइएगा आपके सारे वीरों के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ. जस्ट कम एंड हैव फन. इट्स यू गोना लव इट आई होप. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. किंग शॉकिंग हेडलाइंस. सो हैप्पी ही इज. हाउ मेनी हैव यू डन? And Sanjeev ji has come best. Best. Let's do. Listen. Why do you all do all this, yaar? Duniya mein kitna kuch ho raha hai. Aap wardrobe malfunction pe hi atke hue ho. Aap log. Start. तो मतलब एकदम ही गटर. एंटरटेनमेंट डज मीन गटर. हाय 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 हाय. कॉल फॉर साइलेंस गाइस. नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वीरे दी वेडिंग मेरे लिए तो बहुत हर तरीके से नई नया अवसर है. मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है, मैंने कभी अमीर किरदार नहीं किया. सबसे पहली बात तो कभी इतना ऑब्वियसली ग्लैमरस वेस्टर्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं किया है. पिछली अर्बन कैरेक्टर जो मैंने प्ले की थी वो थी लिसन अमाया में फारूक सर और दीप्ति नवल मैम के साथ, जो बहुत रियल, बहुत ही एक मतलब नॉर्मल रियल स्टाइलिंग को अगर देखें, एस्थेटिक्स को देखें तो बहुत सिंपल था वो. वीरे जैसा बिल्कुल ही वो एकदम वाइब नहीं था. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई थिंक एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में एक लीड रोल करीना कपूर सोनम कपूर के साथ की इक्वल का रोल मेरे लिए इट्स बिग, बिकॉज मैं कमर्शियल स्पेस में मैंने हमेशा सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं. सो इट्स अ बिग फिल्म फॉर मी. आई एम वेरी एक्साइटेड. या आई एम इन फैक्ट मेरे यू नो गाइज द ट्रूथ इज़ मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो या तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और एक दो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं.
सो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 22-23 साल के बाद दोस्ती करनी छोड़ दी। ये गाली देती हुई और आई थिंक कि आप हर किरदार में अपना कुछ छोड़ जाते हो और उस किरदार का कुछ ले लेते हो। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। तो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ मेरा साक्षी में है और शायद मैंने साक्षी से कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन साक्षी थोड़ी साक्षी जैसा बनने के लिए साक्षी के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास भी नहीं है। आई वुड बी अ टीचर। आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ मैं कुछ ऐसा कर रही होती जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते। सो आई थिंक अ टीचर वुड बी गुड। वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो अभी क्या करेंगे, सामने से इतने मतलब लात और जूते पड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा डॉज करना सीख लेते हो आप। नो बट वो तो ट्रोल नहीं था, मुझे तो बहुत फनी लगा वो मीम। मुझे लगता है जब आप इंटरनेट के मीम बन जाते हैं मतलब कि फिर बस आप बिल्कुल यू अराइव्ड, आप मतलब पब्लिक की कल्पना में आ गए हैं। सो मुझे वो निर्मा वाला मीम तो बहुत ही फनी लगा। इनफैक्ट जब मैंने वो मीम देखा, बिकॉज जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे टैग किया था, आई वॉज द फर्स्ट पीपल टू कॉमेंट एंड से एब्सोल्युटली हिलेरियस। किशन जी आप सवाल पूछ लो एक मिनट उनको। हाँ नहीं नहीं अभी तो पूछना पड़ेगा, बोलो यार। धरना, ही स्टार्टेड धरना दे, साइलेंट प्रोटेस्ट पे है वो। से नो ट्रोलिंग वाली यू आस्क मी अबाउट। स्वरा मुझे नहीं, वो कहानी ऐसी आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। आप बहुत ही नहीं नहीं इट्स अ फ्रेश स्टोरी। ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में हमने देखी नहीं है पहले। एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरे को जब रिया ने फिल्म ऑफर करी थी तो मीरा का किरदार ऑफर किया था जो शिखा प्ले कर रही है, लेकिन चूँकि मैंने तनु एड्स मनु रिटर्न्स जस्ट ख़त्म करी थी और एक बच्चा लेके मैं उस फिल्म में भी घूम रही थी, तो मैंने कहा अभी एक और बच्चा मैं नहीं उठा सकती, लाइक मुझे चाहिए ब्रेक बच्चों से। तो आई बट एंड साक्षीज़ कैरेक्टर मेरे लिए कुछ नया था, मैंने ऐसा किरदार नहीं किया है पहले, तो मुझे लगा कि एंड मुझे थोड़ा डर भी लगा। मुझे लगा यार मैं साक्षी जैसे ग्लैमरस एकदम, इन चारों में से एक्चुअली सबसे ग्लैमरस साक्षी है। तो मुझे लगा भाई जहाँ करीना कपूर है जिस फिल्म में और सोनम कपूर जिस फिल्म में उसमें उनसे ज़्यादा ग्लैमरस लाइक कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊँगी। तो वो मेरे लिए चैलेंज था, वो चैलेंज एक्चुअली रिया कपूर ने पूरा किया है। आई मीन आई थिंक ये पोस्टर तो रिया ने कंसेप्चुलाइज किया था, सो वी शुड आस्क हर। बट आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दिस फिल्म इज कि गर्ल्स आर वी आर जस्ट लाइक बॉयज, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी डू द सेम थिंग्स, वी हैव द सेम प्रॉब्लम्स, हम भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, हम भी हमारे ज़िंदगी में भी यू नो हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है भसूड़ी, हमारे ज़िंदगी में भसूड़ी फैल सकती है, हम भी कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, यू नो। सो जो तो उसी एस्थेटिक में कुछ विजुअली इंटरेस्टिंग कैप्चर करने के लिए, एंड चूंकि वीरे दी वेडिंग टाइटल है तो हमने कहा ठीक है यार, मतलब हम इस बार हम शेरवानी भी हम पहन लेंगे। भाई फिल्म देखिए आप, इट्स जस्ट लाइक साक्षी, वो साक्षी है।
Kaina said that this film might help the directors and producers break through the, you know, concept that only male-dominated friendship films cannot be made, and this kind of film can also be made. Yeah. So what do you think it took so long to come for a women producer and, you know, to come up with this kind of a concept? देखिए 105 साल से हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने बहुत बेहतरीन काम नहीं किया है, महिलाओं ने बहुत अहम भूमिकाएं नहीं निभाई हैं कैमरे के आगे और पीछे, लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखें तो आदमियों ने ही जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहा है, वो प्रोड्यूसर ज़्यादातर आदमी रहे हैं, डायरेक्टर्स ज़्यादातर आदमी रहे हैं, अगर हम 100 साल का इतिहास देखें राइटर्स ज़्यादातर आदमी रहे हैं, तो वो जो मेल एक पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया पूरा ओवरवेलमिंगली मेल रहा है वो दिखाई पड़ता है हमारी फिल्मों में. ऑफ कोर्स उनमें बंदनी जैसी फिल्म आ जाएगी या मुगले आज़म जैसी आ जाएगी, मदर इंडिया आ जाएगी, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें तो पूरा नज़रिया फिल्मों का मेल नज़रिया है. अब जहां औरतें डायरेक्टर्स बन रही हैं, प्रोड्यूसर्स बन रही हैं, एकता इज एंड्रिया वुमेन प्रोड्यूसर्स, हमारे जो राइटर हैं मेहुल और निधि, निधि इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ मदर, दे आर फोर एक्ट्रेसेस इन दिस फिल्म, ऑल वेरी कॉम्पिटेंट एक्ट्रेसेस. So I think that when women start writing and start making and start taking the control, you will see that change of perspective, and that's what's happening with Veeredi Wedding. Other thing I'd really like to say, you know, क्योंकि women centric हम बहुत बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म जो औरतों के बारे में हो वो उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, कोई बहुत सीरियस मुद्दा हो, वो अन्याय की कहानी हो, कोई रेप हुआ हो, कोई यू नो मोलेस्टेशन हुआ हो, हिंसा हुई हो, वो फिल्में भी बननी चाहिए. मैं उसी स्पेस से आ रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि वो फिल्में ज़रूरी हैं, बननी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों पे हर फिल्म जो बने उसमें कोई मुद्दा हो, कोई सामाजिक मुद्दा हो. कभी कभी औरतों पे कमर्शियल फिल्म बन सकती है जिसमें मज़े हो, जिसमें औरतें दोस्ती की कहानी है, उनकी कन्फ्यूजन की कहानी है, और कहीं पे उसी सारे मज़े में कुछ शायद वो नई बात कह जाए, एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी गुड. And sort of not be a very stereotypical feminist movie, but a movie that just says that we are women and it's not something that we always have to fight for. We are women and we are equal. We don't have to always, you know, Bollywood is always showing these stereotypical roles of women, either this or that. This is very rare a between. I think your answer is in your question only. Yeah, I think so. Like your view. No, I think, I mean, I just said, I just gave that exact same answer. I think that this is a film which, that every film about women and a women-centric film does not have to have a, first of all, this women-centric is that I have a problem with labeling a film as women-centric, because for 100 years, all the films that were made, were we saying male-centric and male-centric? We were never saying that. You keep saying chick flick. Do you call a film a dick flick? You never do that. So then why are these labels put on girls? So, or things relating to women? So I think that absolutely this is a film, every film about a woman does not have to have an issue, a social issue. Yes, it can, but I'm just saying it doesn't have to. And I think that this is no one film can change the entire world. It's not possible. It's a false expectation to have. It's also a false expectation to have from Bollywood that Bollywood will solve all the problems of India. This is a film industry. We are a medium of expression. We mirror what is happening in our society. So because society is changing, therefore, the structure and the composition of our film industry is changing, and therefore different kinds of stories are being written and are being made. So I think, yeah, I think the film will definitely break new ground, and I think that it will give confidence. I'm sure the film will do very well, and it will give confidence to other people who have stories to tell that have not been told yet. And yeah, absolutely, I'm very excited and hopeful for this film. Thank you guys. Sarah's doing something. Why? She's always on top. Oh, sorry. Thank you.